Hello students, welcome back to our science world में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं न्यू लेसन दैट इज योर 16th चैप्टर अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये नेचुरल क्या है और रिसोर्सेस क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है। नेचुरल जो हमें नेचर से अवेलेबल होते हैं, ओके, और रिसोर्सेस मीन्स क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम कुछ सर्वाइव करने, हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सिंपल थिंग समझ लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेस में एयर, वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। एयर रेस्पिरेशन के लिए हमें यूज़ होता है। वी आर यूजिंग सम थिंग्स विच आर द नेचुरल, और इसे हम लोग रिसोर्सेस कहेंगे। हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। तो वाटर हमें चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, यस चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग वाटर, बाथिंग वाटर, सब जगह पे वाटर की जरूरत पड़ रही है। अब जो एयर है वो भी हमें जरूरत है, यस। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है एंड दीज आर द रिसोर्सेस। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेस हमें नेचर ने दिए गए, दैट इज आवर सॉइल। सॉइल में डिफरेंट रिसोर्सेस है, जैसे मिनरल्स है। तो आज हम लोग इसी टाइप से आगे स्टडी करने वाले हैं, अदर देन द वाटर एंड एयर। इसके अलावा और कौन से रिसोर्सेस है जो हमें बहुत यूजफुल है, इसके बारे में इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हियर माय स्मॉल इंट्रोडक्शन, माय नेम इज प्रमोद भोज और मैं आपके साथ साइंस के लेक्चर्स डिस्कस करता हूँ। चलो स्टार्ट करें। चलो फास्ट ओपन योर बुक एंड दिस इज माय बुक, नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, चलो ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, व्हाट इज मेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने पहले बताया। विच प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल नेचुरली, उसे हम यूज करेंगे तो ये हमारे लिए रिसोर्सेस हो गया, और नेचर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट गिव द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम लोग ने पहले ही देखा, एयर वाटर सॉइल स्टोन मिनरल, ये सारे प्लांट एनिमल, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ओके। बट हम लोग इस लेसन में कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे हम लोग स्टडी करने पड़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द लिथोस्फीयर। व्हाट इज द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर फिर एटमोस्फीयर क्या है, स्फीयर मीन्स स्पेस जगह, हाइड्रो वाटर, एटमो एयर, लिथो सॉइल लैंड। अब ये तीनों चीजें मिलके ना बायोस्फीयर बनता है, जो हम लोग ने सिक्स स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, सिक्स स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा है, दैट इज अ बायोस्फीयर। आज हम लोग इसी के लिथोस्फीयर में देखेंगे। अब ये लिथोस्फीयर आवर सॉइल, सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। मिनरल्स में कुछ मिनरल्स ये मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो ये सारे मिनरल्स हमें अवेलेबल है फ्रॉम अ सॉइल, सॉइल से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस इन अ अर्थ क्रस्ट ऊपर का लेयर, ओके। द अर्थ लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ द लैंड एंड द हार्ड क्रस्ट और बेनिथ इट सरफेस। द लिथोस्फीयर इज नॉट अ होमोजीनियस बट मेड अप ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रिसोर्सेस इन अ अर्थ क्रस्ट इंक्लूड मिनरल्स ओर्स
ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ऑन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। एंड वी आर यूज दिस रिसोर्सेस फॉर आवर सर्वाइव। तो आज हम लोग पहले देख रहे मिनरल्स एंड ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, चलो, मिनरल वेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस अमोंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स आर फॉर्म इन अ वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस। हमें उसे प्लेस इन अ एनवायरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के वजह से एनवायरमेंट में ये मिनरल्स क्रिएट होते हैं और ये हमें मिलते हैं। द रॉक ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स का सबसे बेसिक सोर्स क्या है? ये रॉक, सॉइल, ये जो मिट्टी है ना, यही मिनरल का सोर्स है। दीज मिनरल्स आर ऑब्टेंडेड बाय द माइनिंग। तो हम इसे माइनिंग से ही निकालेंगे। माइनिंग मीन्स बड़े बड़े टनल्स वगैरह खोदे जाते हैं और उसमें से वो रॉक्स को, ऊपर तो ऐसे मिलेगा नहीं कोई मिनरल्स जो प्रेशियस होगा, वो तो हमें डीप ही जाना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। मीन्स मेहनत किए बगैर फल नहीं मिलता। यस, तो हमें बेस्ट चाहिए तो बेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी, वर्किंग करना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग डीप जाते हैं माइनिंग्स। ओनली फ्यू मेटल्स लाइक एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यू, प्लैटिनम, ये हमें फ्री नेचर स्टेट में मिलते हैं। Why? Because they are not reacting with any material और atmosphere के साथ, किसी के साथ भी react नहीं करते, तो ये हमें free मिलते हैं। तो आपने gold mines देखी होगी, बहुत सारे pictures आते हैं जो gold को किस तरह से निकाला जाता है। Even silver, copper, platinum, इसे भी हम लोग इसी तरह से easily collect कर सकते हैं। The majority of other metals occur in the form of compounds, that is oxides, because they are reacted with the atmospheric condition. Atmosphere के condition के साथ ये react करते हैं, तो इस वजह से वो हमें oxides या compounds में मिलेंगे। Minerals that contain high proportion of metal call the ore. जिस भी soil में हमें हाइयर मिनरल प्रोपोर्शन मिला तो ये क्या हो गया? उसका ओर हो गया। अब इसे प्यूरिफाई करके हम लोग मेटल्स लेंगे तो ये ओर होगा। इट इज इकोनॉमिकली टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ओर। क्या करेंगे? ओर से हमें क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उस प्रॉपर्टी को कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ, ये जो मिनरल्स कौन से लैंड में है, कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, दैट इज अ कलर, लस्टर, हार्डनेस, शेप, क्लीवेज एंड द फ्रैक्चर ऑन द स्टिक। इस प्रॉपर्टी की वजह से वी कैन इजीली एनालाइज द मिनरल्स। मिनरल्स हमें मिल सकते है। तो लाइक दिस, इस तरह से माइनिंग्स होती है और माइनिंग से उसे बाहर निकाला जाएगा और इस तरह से ट्रक से उसे सॉर्टिंग करने के बाद, मिनरल ओर को सॉर्टिंग करने के बाद ट्रक्स में भरकर फैक्ट्रीज में लेके जाते फॉर द मोर प्यूरिफिकेशन। मोर प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाएंगे। हियर सम मिनरल्स, अभी कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मिनरल्स आर फॉर्म इन द मैग्मा अर्थ क्रस्ट, दैट इज अ लावा, दैट इज वोल्केनो इरप्शन में मिलते हैं, और ये है मैग्नेटिट एंड द माइका। इस टाइप के मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ के नीचे मेंटल में जो मैग्मा उबल रहा है, इट्स अ लिक्विड मिनरल्स, और ये जब बर्स्ट होता है, बाहर आता है वोल्केनो से, ओके, अब ये बाहर आता है तभी ये फ्लो होने लगता है और इसी से
हमें ये मिनरल्स फॉर्म होते हैं, ये मिनरल्स हमें मिलेंगे। दूसरा, मिनरल फॉर्म व्हेन द सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड द आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन होने के बाद जो मिनरल्स बचते हैं वो हैमलेटिट एंड जिप्सम, ये क्रिस्टलाइन मिनरल्स है। ये क्या है, कुछ क्रिस्टलाइन मिनरल्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, मिनरल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। अब कोल में से, कोल को मीन्स कार्बन, कोल मीन्स कार्बन, कार्बन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है और इससे बन जाते हैं डायमंड। इससे क्या बन जाता है, डायमंड। और इस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं डायमंड, ग्राफाइट, इस टाइप के हमें मिनरल्स मिलेंगे। ओके, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक में होते या टेरिस्टोरियल में, कुछ एनिमल्स ये खुद ही अपने बॉडी के ऊपर कुछ कोटिंग क्रिएट करते हैं, विच इज़ द वेरी हार्ड कोटिंग। ओके, और ये कोटिंग हमें बेसिक मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ये सारे हमें देते हैं। दैट इज़ अ क्रॉन्च शेल्स आर द फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, और ये भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स से बने जाते हैं, एंड दैट इज़ अ शेल्स। तो ये भी क्या है, एक मिनरल है, बिकॉज दिस इज वी आर यूजिंग। ये तो इसमें मिल रहा है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक, दैट इज एनिमल्स के वजह से हमें ये मिलते हैं। हियर मिनरल्स आर क्लासीफाई इंटू मेटल, नॉन मेटल एंड एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में हम उसे क्लासीफाई करेंगे। मेटल्स में माइका, सल्फर, जिप्सम वगैरह ये आ गए। नॉन मेटल्स में, मेटल्स में आ गए आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह आ गए। और एनर्जी मिनरल्स आर कोल, मिनरल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सारे इसमें आ गए। अब ये नेचुरल एनर्जी मिनरल्स क्यों, बिकॉज एनर्जी मिनरल्स इट्स अ सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। गाड़ी में पेट्रोल भरते हो ना, सोर्स ऑफ आवर एनर्जी ये क्या है, मिनरल ऑयल। ओके, घर में गैस है, सीएनजी आता है। ओके, तो ये कहां से है, नेचुरल गैस। ओके, तो ये सारी चीजें हमें इससे ही मिलती है, मिनरल्स। डिपोजिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन द अर्थ एंड दिस सॉल्ट कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। कई सालों से कुछ जगह पे डिपोजिशन हो गया सॉल्ट्स का, बिकॉज ऑफ द प्रेशर की वजह से वहाँ से ये वेपराइज हो जाता है, पानी वेपराइज हो जाता है। अब ये सेडिमेंट हो जाता है किसी में, नॉर्मल ज़मीन के नीचे। अब इसके भी, इस ज़मीन के या उस सॉइल के मिनरल्स उस क्रिस्टलाइन में बस जाते और इससे बन जाते हैं कुछ रॉक्स, और इसे हम लोग सॉल्ट रॉक, रॉक सॉल्ट करके यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग इन आवर कुकिंग ऑल्सो, हम लोग इसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारे जगह पे ये मिलने लगा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, धनबाद कहाँ पे है बिहार, तो यहाँ पे माइनिंग का सबसे पहला इंस्टीट्यूट खोला गया था 1926 में। क्यों, बिकॉज माइनिंग ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और जिससे यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलती थी, कोयला, कोल की खदान होती थी, तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला गया। और फिर आगे जाके ये मिनरोलॉजी में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बदली हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हम लोग क्रिएट करने लगे। चल, अब सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड द ओर्स। पहला आ गया आयरन ओर। आयरन सब जगह पे लगता है, क्यों, स्ट्रांग मटेरियल है। ओके, स्ट्रांग है, बट ये ऑक्सीडाइज भी जल्दी हो जाता है, पर ये
कंडक्टर भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इसके लिए हम लोग हर जगह पे इसको यूज़ करते हैं. आयन अकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड द आयन ओर, एंड आयन ओर इज यूज टू मेक द वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स, पाइप्स, मशीनरीज, फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सब जगह पे इसको यूज़ करते हैं. द फोर मेन ओर ऑफ आयन इज मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडर. ये फोर टाइप्स ऑफ ओर्स है, किसके? आयन ओर्स है. दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ आयन ओर, परफेक्टली याद रखो, पूछा जाता है. देन मैंगनीज, मैंगनीज इज अकर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड. कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड, ये तीनों फॉर्म में मैंगनीज हमें मिलता है. कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज आर यूज टू प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन, फॉर गिविंग अ पिंक टिंक ग्लास, ग्लास को पिंकिश वगैरह कलर दिया जाता है ना, वो इससे. मैंगनीज इज यूज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी मैंगनीज को यूज किया जाता है. बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इंडिया में बहुत अवेलेबल है. बॉक्साइट इज अ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओर इन एल्यूमिनियम, ये 55% एल्यूमिनियम होता है इसमें. एंड बॉक्साइट इज अ कंसिस्ट मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड द डेंसिटी इज लो. स्ट्रॉन्गेस्ट उतना ही है, डेंसिटी उसकी उतनी ही लो है. देयरफॉर इट इज यूज मेनली इन द एरोप्लेन, हैवीनेस नहीं है ज़्यादा तो ये एरोप्लेन में यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार सब में एल्यूमिनियम वायर्स होती है तो इजी टू मेक है तो वो मिलता है. इंडिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है. देन कॉपर, कॉपर ये हाईली कंडक्टिव है, मींस जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर वायर वगैरह यूज करते, अब ये ऑक्साइड्स में ही मिलता है, ये भी ऑक्साइड में मिलेगा. हियर कॉपर इज फॉर्म इन अ इम्प्योर स्टेट इन द वेसिनिटी ऑफ द आयन एंड द अदर मिनरल्स, आयन एंड अदर मिनरल्स के साथ मिक्स होकर ही कॉपर मिलता है. ओके, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर एज वेल एज रेडियो, टेलीफोन, इसमें भी यूज किया जाता है. मेकिंग किचन यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज, इसमें भी यूज किया जाता है. तो कॉपर हमारे आयुर्वेद में भी बहुत इसको इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट उसको दिया गया है कॉपर को भी. तो ये इम्पॉर्टेंट इस तरह से है. अब आ गया माइका. अब ये ऊपर के तीनों है ना भाई, तीनों कंडक्टर है, बट माइका इज नॉट अ कंडक्टर. चलो कैसे, माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर इसे यूज किया जाता है. कहाँ पे? सिंपल, आपके जो प्रेस है ना, इस्त्री करते हो, प्रेस करते हो ना कपड़ों को, उसमें देखो ये होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता टूवर्ड्स अवर हैंड, और हीट को एक ही साइड में कन्वर्ट कर देगा. तो इट इज़ अ वैल्यू डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ अ लेयर. माइका हैज मेनी यूज सच एज द आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, डाइज, इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, सब में ये माइका यूज किया जाता है. क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं. फ्यूल, फ्यूल क्या है? जिससे हमें एनर्जी मिलती है. फ्यूल क्या होता है? जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है. चलो हियर व्हाट इज मीन बाय फ्यूल. फ्यूल मींस जो फ्लो हो सकता है और उससे एनर्जी मिल सकती है, वो फ्यूल होता है. चलो दिस सब्सटेंस कॉल्ड द फ्यूल, फ्यूल आर द फाउंड इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. तीनों में भी मिलता है. सॉलिड में क्या मिलेगा?
कोल लिक्विड में मिलेगा, पेट्रोल डीजल वगैरह दैट इज अ क्रूड ऑयल, एंड गैशियस में मिलता है नेचुरल गैस। ओके, तो ये तीनों स्टेट में मिलता है। पहला देखते हैं कोल। मिलियंस ऑफ ईयर एगो फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द रिजल्ट डिपोजिशन। क्या हुआ था कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, फ्लड आता है या वोल्केनो इरप्शन हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, अर्थवेक होता है, तो इसमें जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। अब ये दब जाते हैं मिट्टी के नीचे। ओके, अब ये सॉइल के नीचे दब के उसके ऊपर सॉइल का लेयर है, मीन्स ऊपर से प्रेशर है। अर्थ सेंटर से बहुत गर्म है। अब यहाँ पे गर्मी तो आ रही है बट हियर देर इज अ नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ओके, गर्म है ऑक्सीजन नहीं, इस वजह से वो बर्न तो हो रहे बट विदाउट ऑक्सीजन में, और ये बन गए कोल। ये क्या हो गए? कोल। तो ये फॉसिल फ्यूल माना जाता है। क्यों? बिकॉज दिस इज मेड अप बिकॉज ऑफ द वुड या जंगल मटेरियल से ही बना हुआ है। द लेयर ऑफ सॉइल केप डिपॉजिट ओवर देयर, देयर इज अ वेरी हाई प्रेशर इन द अबव एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर स्लोली ट्रांसफर द बेरिड द प्लांट एंड कोल इज अ फॉर्म, और ये फॉसिल फ्यूल माना जाता है। तो लुक एट हियर, तो जैसे ये जंगल्स थे, जंगल्स को धीरे धीरे नीचे गिर गए, ये नीचे के साइड में ये क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो गया। नीचे सबसे क्या होगा, हीट आएगी। ओके, ये लेयर्स है, ये क्या है, अपने लेयर्स है सॉइल के, तो ये जितना ऊपर से प्रेशर आएगा उतना वो हीट भी ऊपर आएगी और ये कोल में कन्वर्ट हो गए। पर ये जल्दी नहीं हुए थे, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगे थे ये होने के लिए। कोल इज फाउंड इन अ माइन पिट लिग्नाइट एंड द बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट, ये उसके टाइप्स है। एंथ्रासाइट ये सबसे, कोल इज अ हाईएस्ट ग्रेड, ये बहुत हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट को यूज़ करते हैं, बॉयलर्स वगैरह के लिए ये सबसे यूज़ होता है। इवन जब पहले जो ट्रेन चलती थी, ट्रेन तो जिसमें कोल यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी एंथ्रासाइट ही यूज़ किया जाता था। ओके, कोल इज इन अ वे अ स्टोर हाउस ऑफ अ कार्बन, इट बर्न टू ऑब्टेन अ हीट एनर्जी, ये क्या देगा, हीट एनर्जी क्रिएट करता है। कोल इज अ यूज ऑफ द फ्यूल एंड इट इज अ यूज एज अ फ्यूल ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मिल गया, थर्मल पावर प्लांट, जिससे बॉयलर्स को पानी गर्म किया जाता है और उसके स्टीम बनाया जाएगा और उसके एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। वेल एज अ रन बॉयलर एंड द रेलवे इंजिन्स। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर द कुकिंग एंड द बेकिंग ब्रिक्स एंड क्लीन द लार्ज स्केल्स एंड द गैशियस फ्यूल प्रोड्यूस द प्रोड्यूस गैस वाटर गैस एंड द ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। कोल एज एन एनर्जी सोर्सेस एंड कंटिन्यूज ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था ना, इसको कोल ने सबसे ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि एनर्जी चाहिए कहाँ से, वुड कितना जलाएंगे, वुड जलाने से क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जंगल तबाह हो रहे, तो कोल मिलने लगा, तो ये कोल सबसे हमें इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये बर्न करने से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है देन द वुड, वुड जलाने से ज़्यादा एनर्जी कोल जलाने से मिलती है, तो ये मिलने लगा, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंक हो गई। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए। अब ये नेचुरल ऑयल के बारे में है, ये पिक्चर है नेचुरल ऑयल के बारे में। नेचुरल ऑयल
फिश वगैरह जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं मरने के बाद, वो उनकी बॉडीज इसके साथ आ जाएगी, कहाँ पे? सी बेड पे। ओके, सी बेड पे आ गई। यहाँ पे कुछ अर्थवेक एक्टिविटीज़ भी होती है, अब इसके वजह से उनके ऊपर डिपोजिशन आने लगा। क्या आने लगा? डिपोजिशन ऑफ सॉइल। ओके, ये सॉइल का डिपोजिशंस वगैरह होने लगे। ओके, अब ये सॉइल डिपोजिशन होने की वजह से ये नीचे 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 दबते गए। अब ये तो डिकम्पोज हो रहे, यस। ऑयल, ये जो सी फूड होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, जैसे ये जो फिश वगैरह होते हैं उसमें ऑयल होता है, तो ये ऑयल बर्न हो गया। मीन्स क्या ये हो गया? बर्न नहीं हो गया, ये डिकम्पोज होकर जमा हो गया अंडर द लेयर ऑफ अ सी बेड, सी बेड के नीचे हो गया। मीन्स ये थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक नीचे चला जाता, जाना पड़ता है, इतना नीचे जाएंगे तभी वो मिलता है। अब ये इतना नीचे चला गया, अब इसे क्या कर किया जाता है? ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करके ऑयल निकाला जाता है। अब ये होता है क्रूड ऑयल, इट्स अ ब्लैक ग्रेइश कलर, बहुत गंदा स्मेल आएगा इससे। ओके, तो ये उसे लिया जाता है, अब इसके बाद उसको फिल्टराइजेशन किया जाएगा और उससे पेट्रोल, डीजल, एरोनॉटिक फ्यूल्स, ETF ये बनाया जाएगा। फिर नेचुरल गैस भी इसी तरह से फॉर्म होता है, क्योंकि ये लेयर्स जो होते सड़ने के वजह से, ख़राब होने के वजह से यहाँ पे गैस क्रिएट होता है। अब ये गैस क्या है? ये गैस है नेचुरल गैस, और वो उसी लेयर में है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ये सारे जो पिक्चर्स दिखाए जाते ना, आप गूगल पे सर्च करो बॉम्बे हाई, तो मुंबई के पास जो ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है वहाँ पे ऊपर के साइड में एक चिमनी से आग निकलती रहती है। क्यों? तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस निकल रहा है ना, अगर वो अंदर बर्न हो गया तो क्या होगा? अंदर बर्न हो गया तो क्या होगा? ये पूरे ऑयल को ख़राब कर देगा, इसलिए उसे बाहर पुश किया जाता है, और जिससे ऊपर के साइड में नोज़ल से उसको पुश करके निकाला जाता है। सेम टाइम साइमेंटेनियसली उसे कलेक्ट भी किया जाता है। अब ये कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, तो उसे पाइपलाइन से लेके आते हैं इन लैंड, दैट इज़ अ उरन में इनके बड़े पावर प्लांट्स हैं। ओके, तो ये नेचुरल गैस को वहाँ पे लेके आते हैं और उसको वहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हियर इज़ अ ONGC, ONGC अप्रॉक्सीमेट इंडिया का 77% क्रूड, ये वहीं से ONGC प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। मीन्स ONGC के प्लांट्स बहुत जगह पे, बहुत जगह पे। अब ये कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो ये एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है, एंड इट्स अमाउंट 62% हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसके 62% ऑयल ये नेचुरल गैस ये ONGC प्रोड्यूस करता है, और ये अंडरग्राउंड से ही आता है। हियर मिनरल ऑयल के बारे में दिया है कि जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, मिनरल ऑयल कैसे क्रिएट हुआ। एनिमल्स, डेड एनिमल्स बेरिड हो गए, दब गए, और इसके वजह से ये क्रिएट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेरिड अंडर द ग्राउंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अब ये लेयर ऑफ सॉइल एंड सैंड कलेक्ट ऑन देम एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन द डेड ऑर्गेनिज्म वेर ट्रांसफर इनटू मिनरल ऑयल। ये हो गया, मिनरल ऑयल में ट्रांसफर हो गए। अब ये अंडरग्राउंड्स होते हैं एक्सट्रैक्ट टू द वेल्स, ये वेल की तरह होती है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें मिनरल ऑयल आर फाउंड मेनली इन ऑयल सैंड शेल, सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन एट द डेप्थ।
जहाँ पे इस तरह से हार्ड स्टोन से उसके नीचे ही ये मिलता है. ओके, देन ये अप्रोक्सीमेट 1000 टू 3000 मीटर तक नीचे जाते हैं तभी ये फाउंड होता है. मीन्स ये कितना पुराना हो सकता है उसका अंदाज लगाओ. मिलियंस मिनरल्स ऑयल आर ऑल्सो नोन एज अ पेट्रोलियम और द क्रूड ऑयल, और इसे ही हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. क्यों ब्लैक गोल्ड? बिकॉज इसी के वजह से ऑयल, ये पेट्रोल वगैरह, ये मूव करने के लिए इजी है. यस, अगर आपकी गाड़ी स्कूटर कोयले के ऊपर चलती क्या करना पड़ता? बार बार कोयला उसमें डालो तब चलेगी, बराबर. बट हमारे पास ये ऑयल के वजह से बहुत इजी टेक्नोलॉजी है. किक किया, चालू किया, निकल गए. अब ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, तो इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये होता है काला. क्रूड ऑयल ये ब्लैक होता है. अब गोल्ड क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेशियस, ये बहुत प्रेशियस हो गया. इसके हर एक पार्ट, इट्स नॉट अ वेस्ट, ये वेस्ट नहीं होता. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नाफ्ता, फिर ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल्स इससे बनते हैं, और लास्ट में जो मटेरियल बचता है उससे प्लास्टिक फॉर्म होता है. पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक, तो ये इससे फॉर्म होता है. मींस कोई भी वेस्ट नहीं होता, इसलिए उसे गोल्ड कहा जाता है. ऑल दीज आर द रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, मेनली अ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन है ये, इसे याद रखना. पोल्यूशन का सबसे मेन कारण है ये, हाइड्रोकार्बन आ गया. अब ये कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना वो पोल्यूशन क्रिएट होगा, हाइड्रोजन बर्न हो जाता है. इट ऑल्सो कंटेन कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्ट थ्रू द ऑयल वेल्स एंड द रिफाइन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इससे बनता है एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नाफ्ता, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल, टार, ऑब्टेन द पेट्रोलियम एंड दे आर यूज इन अ फ्यूल प्रोडक्शन, डाई, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम, इसमें सब जगह पे इसे यूज किया जाता है. चलो नेक्स्ट, हियर इज अ नेचुरल गैस फाउंड इन द एसोसिएट विद द पेट्रोलियम एंड अंडरग्राउंड वेल, उसी में ये मिलेगा. द रिमेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये मिलते हैं. दीज आर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स, बट हाइड्रोजन इज मोर देन द कार्बन. हाइड्रोजन इज मोर देन द कार्बन, और इसी वजह से ये ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते. इसमें दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं, सल्फर वगैरह इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये पोल्यूशन ज़्यादा नहीं क्रिएट करते, मोर एनर्जी देते हैं. कोल को जलाओ और एक जगह पे गैस जलाओ, फ्लेम कैसे आती है? कोल जलाने के बाद फ्लेम आती है रेडिश, ओके, और इससे जो होती है वो ब्लूइश. ब्लूइश फ्लेम गिव्स अ मोर एनर्जी देन द रेड फ्लेम. ओके, तो ये हो गया. नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेरी डीप. दिस फ्यूल आर द कैरी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ओरिजिन, पाइपलाइन से लेके जा सकते हैं. अब्सेंस ऑफ नेटवर्क पाइपलाइन इज अ ट्रांसफर अंडर द हाई प्रेशर कंप्रेस नेचुरल गैस. अगर पाइपलाइन नहीं जा सकते तो उसको प्रेशराइज करके हाई प्रेशर, दैट इज अ कंप्रेस नेचुरल गैस CNG, इसमें भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी इसका कोई भी स्मेल नहीं होता, CNG का कोई भी स्मेल नहीं होता. उससे बाद में स्मेल के लिए थोड़ा कुछ लिक्विड्स, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, लाइक LPG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. LNG भी होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, LPG, ये डिफरेंट, पेट्रोलियम गैस. चलो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएनजी, कैच फायर इजीली, नो सॉलिड वेस्ट रिमेन, कोई भी सॉलिड पोल्यूटेंट यहाँ पे नहीं ज़्यादा क्रिएट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर फॉर्म स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम फॉर्म में फॉर्म होता है. अदर पोल्यूटेंट आर नॉट प्रोड्यूस, कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली एंड कंबर्स नॉट, कैन बी कंट्रोल इजीली. इसका कंबर्शन हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल हो जाता है. मीन्स किसी नोजल से गैस लीक हो रहा है, अब इसे बर्न हो गया. सिंपल थिंग है, गीला कपड़ा लो जाड़ा, उसके ऊपर लपेट दो, बुझ जाएगा ये. ओके, मीन्स ये एयर कॉन्टैक्ट हम लोग लूज कर सकते हैं. फिर उसको नॉब बंद कर दो, यू कैन इजीली कंट्रोल दीज थिंग्स. ओके, ये कंट्रोल किया जा सकता है. चल, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन डेड ऑर्गेनिज्म इन रॉक एंड फॉसिल्स आर द साइन अंडर एग्जिस्टिंग ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड द ऑर्गेनिक. ये ऑर्गेनिक फ्यूल्स है सारे, तो ये उसे हम लोग ऑब्जर्व करके बाहर लेके आते हैं. इट्स अ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्लास. तो ये गैस में क्या मिलाया जाता है वो देखो. अब पेट्रोलियम गैस ऑब्टेन द रिफाइंड क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस ट्रांसफर्ड लिक्विड सब्जेक्ट टू प्रेशर रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ 1:240 को एक में हम लोग कितना ये कर सकते हैं. स्टोर इन थिक वॉल सिलेंडर, जो हमारे पास घर पे सिलेंडर्स आते हैं उसमें ये स्टोर होता है. ट्रांसफर इनटू द गैस, दिस गैस कंटेन मेनली कंपाउंड ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्सअप करके इसे बनाया जाता है. दैट इज अ प्रोपेन होगा 30 एंड ब्यूटेन होगा 70. इट्स अ ऑर्डरलेस गैस, ये ऑर्डरलेस गैस है बट ये हाईली फ्लेमेबल है. तो कैसे पता चलेगा कि ये निकल रहा है. बट स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल इथिलीन मैक्रिपेंट्स, ये इथिलीन उसमें ऐड किया जाता है, ये केमिकल उसमें ऐड कर, इस वजह से उसका एक सेंस क्रिएट हो जाता है, स्मेल. गैस लीक होता है तो हमें स्मेल आता है. तो बिकॉज ऑफ दिस केमिकल के वजह से हमें स्मेल आता है. विच इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर एंड हेल्प्स टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ एलपीजी, हम डिटेक्ट कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट, व्हाई द नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली, क्यों, बिकॉज इट्स अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई भी दूसरे प्रोडक्ट नहीं है. दे आर बर्न इजीली बर्न होते हैं, कोई भी पोल्यूटेंट फ्री नहीं, पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो उससे कोई फर्क खतरा नहीं है. इस वजह से ये इको फ्रेंडली है. द डिमांड फॉर अ फ्यूल आर इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन बट द ऑब्जर्व द फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड एंड डिफिकल्ट टू मीट इंक्रीज द डिमांड. द लाइवलीहुड रिजर्व द गेटिंग एग्जिस्टेड नोन एज द एनर्जी क्राइसिस, और यही एनर्जी क्राइसिस है. एज अ रिजर्व एज अ फॉसिल फ्यूल मेनली मिनरल ऑयल कोल आर द लिमिटेड एंड डिमांड इज इंक्रीज, डिमांड कंटिन्यूज इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टरनेट फ्यूल हमें चाहिए. हियर हाइड्रोजन बायोफ्यूल मिथेनॉल वुड अल्कोहल इथेनॉल ग्रीन अल्कोहल, ये सारे हमारे अल्टरनेट फ्यूल्स है जिसे जनरेट करके वी कैन गेट सेम टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम लोग ले सकते हैं. एंड दीज फ्यूल्स आर द इको फ्रेंडली फ्यूल्स है. चलो नेक्स्ट, डीजल हो गया, पहले मिनरल्स देख लिए, देन दूसरा मिनरल्स देखा हम लोग ने नई एनर्जी के लिए. पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स थे मीन्स मेटल नॉन मेटल ग्राफाइट वगैरह सब हम लोग ने देख लिया. फिर हम लोग ने यहाँ पे एनर्जी के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस देखा. थर्ड आ गया फॉरेस्ट रिसोर्सेस,
फॉरेस्ट रिसोर्सेस। अब ये फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या होगा? फॉरेस्ट रिसोर्सेस हियर व्हाट इज मेंट बाय द फॉरेस्ट एंड व्हाट इज देयर यूजेस। फॉरेस्ट क्या है? तो जंगल है। ये कई साल लगते ईयर्स लगते हैं ये जंगल फॉर्म होने के लिए। एंड दिस फॉरेस्ट गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। सॉइल की फर्टिलिटी वही देंगे, एटमॉस्फियर, प्लेजेंट एटमॉस्फियर वही देंगे, फूड वही दे रहे, मेडिसिंस वही दे रहे, ये फॉरेस्ट दे रहे, डिफरेंट स्पीशीज के लिए घर वही प्रोवाइड कर रहे, वाटर साइकिल वही प्रोवाइड कर रहे। मीन्स ये प्लांट्स ये पूरी तरह से हमारे लिए बहुत ही एक वरदान की तरह है। तो ये रिसोर्सेस में माना जाता है। द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर इन वेराइटी ऑफ प्लांट्स कॉल द फॉरेस्ट। वेराइटी ऑफ प्लांट्स से कवर हो गया तो ये हो गया फॉरेस्ट। एंड द फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोब्स। 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर बाय द फॉरेस्ट। ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50 होगी तब हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड द प्रोडक्टिव फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस ये हमारे लिए काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? प्रोड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर। वाटर जो फ्लो होता है पहाड़ों से वगैरह उसको रोकने का काम, सॉइल इरोजन का रोकने का। नहीं तो वो क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा तो मिट्टी भी बह जाती है पानी के साथ। तो जो नरिशमेंट देने वाली सॉइल है वो भी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट काम करता है। नेक्स्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन आ गया। हेल्प द प्रिकॉलेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्रिकॉल कर देना ज़मीन में, जिससे वी कैन गेट अ फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर बारिश के टाइम नहीं, आफ्टर बारिश के बाद भी हमें ये फ्रेश वाटर मिलते रहेगा। कंट्रोल फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करना। रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है ना उसको छाया देकर वो कम कर दिया जाता है। प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड, ओके, एंड दे रिलीज ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ओके? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कार्बन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट, और उससे वो बनाते हैं फूड। और ये फूड किसको देंगे? हमें, हम लोग उसे खाते हैं और गेट द एनर्जी, यस। तो ये एक मीडियम की तरह काम करते हैं हमारे लिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिए कि प्लांट्स किस किस है, अडुलसा है, बेल है, नीम है, तो ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अडुलसा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलो अब डिफरेंट आप ये कर सकते हो, तुलसी वगैरह हमारे पास, टेक द हेल्प ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे आजू बाजू में कितने हैं ऐसे प्लांट्स, उसे निकालो और लिस्ट बनाओ और सोचो कि हम लोग कितने मेडिसिनल प्लांट देखते हैं। तुलसी का पौधा हर एक घर के बाहर होता है, क्यों? मेडिसिनल है, ओके? तो हम लोग घर के बाहर निकलने से पहले बोला जाता है तुलसी के एक पत्ता चबा के निकलो, जो भी है वो काम हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ओके? क्यों? बिकॉज इट्स अ मेडिसिनल वुड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड, एंड फायर वुड वगैरह ये सब फॉरेस्ट से मिलता है। नीम, एकेया, सुबाबुल ये सारे वुड्स मेकिंग द फर्नीचर्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स के लिए चाहिए। फॉरेस्ट वेल्थ इंक्लूड द फाइबर, पेपर, रबर, गम, ये सारा फॉरेस्ट ही हमें देगा। फ्रेगमेंटेड ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल्स, कुछ पेड़ क्या देते हैं?
ऑयल देते ये भी हमें मिलेगा, ग्रास, वेनिला, केवड़ा, ये सारे यूकलिप्टस, सैंडलवुड ऑयल, यूकलिप्टस सैंडलवुड ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। इन एडिशन टू गुड वेरियस फ्रूट्स बल्ब्स एंड द रूट्स हनी, ये सारा हमें फॉरेस्ट से ही फॉर्म होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को सेव करो। तो हाउ टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना ही चाहिए, बिकॉज ये नहीं होंगे तो इसके यूजेस हम लोग ने देखे उसका ही उल्टा एडवर्स इफेक्ट होंगे। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास शायद अर्थ अवेलेबल ना हो विदाउट फॉरेस्ट। यंग ट्री शुड नॉट बी कट, मेनी मोर ट्रीज दैट इज अ कट डाउन शुड बी प्लांट एंड लुक आफ्टर। आपने एक प्लांट ट्री तोड़ा, कुछ जरूरत है आपने तोड़ दिया उसे, फिर उसके सामने पांच प्लांट ग्रो करो, मिनिमम 5 प्लांट ग्रो करो, उसकी केयर करो, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए होंगे। क्या होगा, आपने ये जो प्लांट होते वो बढ़ने के लिए कम से कम 20 ईयर्स के ऊपर लगते तभी ये थोड़ा बड़ा होता है। अब 20 साल के बाद ये बढ़ने वाला, 20 से 30 साल बढ़ने वाला प्लांट है, ट्री बन जाता है। अब आपने 2 मिनट में तोड़ दिया, तोड़ने के लिए टाइम, कुछ भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं लगता, पर उसे फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो फॉर्म करना सीखो, जो चीज़ हम बना ही नहीं सकते, जो चीज़ हम बना नहीं सकते उसे बिगाड़ने का हमें हक नहीं है, भगवान ने ये हमें हक नहीं दिया है। ओके, तो इसे बर्बाद मत करो, डोंट, उसे और बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे ये जो इकोसिस्टम है ना, बैलेंस करने का काम करते हैं ये लोग, बैलेंस करने का काम, और ये बैलेंस होगी तभी हम सर्वाइव हो पाएंगे। द रिस्ट्रिक्टेड लॉस एंड द रेगुलेशंस, कुछ लॉस हमारे पास है, क्योंकि अगर एक पेड़ तोड़ते हैं तो पेड़ तोड़ने की सज़ा इम्प्रिजमेंट है, मिनिमम 1 लाख रुपीज फाइन प्लस 6 ईयर का इम्प्रिजमेंट है। इम्प्रिजमेंट मीन जेल, 6 साल जेल में रहो, तो ऐसा मत करो। चलो अब आगे ओशन रिसोर्सेस के पास ओशन मीन्स हमारा समुद्र है ना। तो लैंड देखा, मिनरल्स देखे, अब फॉरेस्ट देखा, अब लास्ट हमारे पास ओशन बचा है, ओशन को भी देख लेते हैं, दैट इज़ आवर हाइड्रोस्फीयर। ये ओशन हमें बहुत कुछ देता है, डिफरेंट मिनरल्स इसमें है, बहुत सारे केमिकल्स है, इस ओशन में ही है। इवन एज पर द इवोल्यूशन थ्योरी वी आर द एनिमल, और द ये सारे जो सेल्स है वो जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस ओशन, और ओशन अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं हुआ है, स्टडी नहीं हो सका है, पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सके हम लोग उसको, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। चलो अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ओशंस हैं, हाउ द सी वाटर यूजफुल, तो हमें क्या है, 71% वाटर है। अब 71% वाटर हमारे पास पड़ा है तो ये कितना बड़ा वास्ट एरिया है, और इसको स्टडी करना कितना होगा। अब ये पानी हमें बेसिक थिंग हमारे फूड के लिए जो नमक लगता है, सॉल्ट, वो वही देता है। ओके, तो और बहुत कुछ देता होगा। यस, एनर्जी कैन ऑब्टेन ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द ओशन, सी वाटर, हाई एंड लो टाइड, ओशंस करंट्स, ओशन करंट भी फ्लो होते हैं, गर्म करंट, गर्म एंड कोल्ड करंट, ये 2 टाइप के करंट ओशन में फ्लो होते हैं, विंड फ्लो होते हैं। अब ये विंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग विद द मानसून, हमारे लिए ये मानसून लेके आते,
तो ये ओशन की तरह से है. इट्स जनरेट द पावर. लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द ज्योग्राफी. देर इज अ सर्व द वेराइटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सी वाटर्स, बॉटम ऑफ द सी बेनेथ एंड द सी बेड. सो दिस रिसोर्सेज अवेलेबल सी ओशंस कॉल द मरीन रिसोर्सेज. सी रिसोर्सेज में जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस कॉल द मरीन रिसोर्सेस. इट्स कॉल्ड द मरीन रिसोर्सेस. इसमें फिश मीन्स फूड मिल रहा है, ऑयल एनर्जी मिल रही है, विंड फ्लो नेचुरली बारिश हो रही है, ओके ये सब कुछ मिल रहा है. एंड दिस ऑल्सो इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी कंट्रोल में है. अर्थ का टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है, ओके तो ये सारी चीज़ें इस ओशन के वजह से ही होती है. अब मिनरल्स एंड द बायो रिसोर्सेस. चलो, साइंटिस्ट बिलीव दैट बिलियंस ऑफ टन ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन डिजॉल्व इन ओशन वाटर. ओशन वाटर, ओशन बेड में कई लाख किलो का, ये टन का मिनरल्स है इसमें. दे आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ द टीन, क्रोमियम, फॉस्फेट, कॉपर, जिंक. ये होगा क्यों? सिंपल, हम लोग अभी तक जो माइनिंग कर रहे हैं वो लैंड के ऊपर कर रहे हैं, टेरिस्टोरियल के ऊपर कर रहे हैं, ओके. वाटर फ्लो होता है थ्रू द लैंड. अब ये फ्लो होते होते कहाँ पे जाता है? ओशन में जाता है. तो ये सारे मिनरल्स कई सालों से फ्लो हो रहे हैं, कहाँ है? ओशन में. तो यहाँ पे क्या होगा? खजाना होगा. यस, इन द ओशन द सी बेड वी गेट द मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स, क्रॉन्स, शेल्स एंड द पर्ल्स. ये सब हमें वहीं से मिलते. रियल पर्ल्स आर इवन कोल्स्टर्स एंड देन द गोल्ड, कॉस्टियर देन द गोल्ड. जो पर्ल होते हैं ना, कुछ पर्ल्स इतने महंगे और इतने अच्छे होते हैं. पर्ल्स की ये की जाती है फार्मिंग भी की जाती है, तो उसके लिए शेल्स डिफरेंट होते हैं और उसके लिए पानी वगैरह, टेम्परेचर, वो सब मेंटेन करना पड़ता है. और कुछ तो डायरेक्ट ओशन में ही कर देते हैं, उसे थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं ओशन में और बाद में उससे कवर करते हैं. बट इंडिया में वो नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ में ये किया जाता है, ऑलरेडी किया जाता है. देयर आर द लार्ज स्केल रिजर्व्स फॉर अ मिनरल ऑयल एंड द नेचुरल गैसेस एंड द बॉटम ऑफ द सी वी अवेलेबल दिस ड्रिल्स द ऑयल गैस. जो हम लोग ने गैसेस वगैरह देखे, तो ये मिनरल्स. दिस इज अ बॉम्बे हाई, सागर सम्राट, ये प्लेटफॉर्म है. अब दिस टाइप के हमें यहाँ पे मिलेंगे. हियर ऑयल फील्ड, सागर सम्राट, बॉम्बे हाई, ये मुंबई के नज़दीक है, ओशन में, अरेबियन सी में. आप उसके पिक्चर्स दे सकते हो. चलो, अब मिनरल्स क्या क्या मिल सकते हैं. थोरियम यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी के लिए में. मैग्नीशियम दैट इज अ फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरा, फ्लैश बल्ब होते हैं ना उसके लिए. पोटेशियम इज अ इंग्रेडिएंट टू प्रोड्यूस द सोप, ग्लास, फर्टिलाइजर्स, इसमें यूज किया जाता है. सोडियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोथ एंड पेपर. सल्फेट द यूज इन द मेकिंग ऑफ द आर्टिफिशियल ग्लास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है, ओके चलो. बायो रिसोर्सेस, अभी बायो रिसोर्सेस क्या है? तो बायो रिसोर्स में डिफरेंट डिफरेंट फिश है, फिश फूड हमें मिलता है. फिश फूड के साथ एज वेल एज वी गेट द ऑयल, फिश ऑयल, कॉड लीवर ऑयल्स वगैरह हमें यहाँ पे मिलते. कुछ शेल्स मिलते, प्रिपेयर द मेडिसिंस. फंगा यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. शार्क एंड कॉड फिश विटामिन ए बी ई के ऑयल मिलते. सी कुकुम्बर द मेडिसिन एंड टेस्टेड द कैंसर एंड ट्यूमर्स, इसके लिए ये मिलते. तो ये सारी चीज़ें हमें सी से ही ऑब्जर्व होती. मीन्स ये जो नेचर है ना, नेचर, ये बहुत कुछ हमें देता है, बहुत कुछ देता है.
हम क्या करते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ ले लो, कुछ देते नहीं हैं। देने को सीखो, बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। समझा मेरी बात, याद रखना, हमें हर एक की हेल्प करनी चाहिए। आप जब किसी और की हेल्प करोगे तब वो पूरी दुनिया आपकी हेल्प करेगी, वो आदमी नहीं करेगा, उसके एक्सपेक्टेशन मत रखो, बाकी दुनिया आपकी हेल्प करेगी। चलो, तो हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचाना है। मरीन ऑक्यूपेशंस क्या क्या है, हमें क्या क्या ऑक्यूपेशंस देते हैं, फिशिंग होता है, सॉल्ट फार्मिंग, सॉल्ट फार्मिंग कई ज़माने से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, शी ट्रांसपोर्ट, कार्गोस ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े शिप्स जो ट्रक से सामान नहीं लेके जा सकते, वो एरोप्लेन से भी हैवी लोड नहीं लेके जा सकते, तो सी ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट। सी टूरिज्म आ चुका है, इनकम सोर्स वगैरह आजकल बहुत सारे जगह पे आता है, महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूबा डाइवर्स डाइविंग स्कूल्स हैं और स्कूबा डाइविंग हम करते हैं, तो वो है। मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स, जो शेल्स होते हैं ना, उससे डिफरेंट डिफरेंट हमें डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, मीटिंग इन आवर नीड्स एंड द लिमिटेड, ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो उसे परफेक्टली हमें यूज़ करना चाहिए, तो हमें उसे कंट्रोल मैनर में करो, मेंटेन रखो एंड परफेक्टली यूज़ करो। ओके, चलो, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन फिनिश हो गया। क्या क्या देखा, लैंड के ऊपर हमें आयरन ओर शेल्स ग्राफाइट वगैरह मिलता है, देन हम लोग गए मिनरल ऑयल के पास, मिनरल ऑयल एंड ऑयल एंड गैस के पास गए, वो मिल गया। फिर हम लोग आ गए फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली, हम खुश हो गए। फिर हम लोग चले गए ओशन में, ओशन में भी देखा तो यहाँ तो बहुत कुछ है, तो यहाँ पे फूड वगैरह सब अवेलेबल है, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं एंड ये रिसोर्सेस को हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते हैं। ओके, इजी लेसन था, एकदम इजी लेसन। ओके, रीड दिस लेसन 2 times एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, कहीं पे भी डिफ़िकल्टी होती है, समझ में नहीं आता, हम आपके साथ हैं। ओके, चलो, तो नाउ वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एंड मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन फॉर न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड डे।